Welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. रिसेंटली एक सोशलाइट की बर्थडे पार्टी पर नजर आए बी टाउन के काफी सेलेब्स। यहां हमने स्पॉट किया वरुण धवन, उलिया वेंटोर और सुनीता कपूर को। 30 में 30। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय नजर आएंगे एक फिल्म में। पिछले काफी समय से अभिषेक और ऐश के एक फिल्म में काम करने की न्यूज आ रही थी और अब इस न्यूज पर अभिषेक ने दे दिया है कॉन्फर्मेशन। दैट फिल्म इज नॉट अनुराग्स फिल्म, इट्स बाय अ न्यू डायरेक्टर व्हिच दे विल बी प्रोड्यूसिंग। वी स्टिल डिस्कसिंग इट, वी कांट अनाउंस एनीथिंग हियर। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फिल्म अनाउंस करें तो बेहतर होगा। 30 में 30। सलमान खान ने रिसेंटली मुंबई की आरए कॉलोनी को सैनिटेशन फैसिलिटीज की चेकिंग के चलते किया विजिट। यहां हम आपको बता दें कि सलमान को लास्ट ईयर बीएमसी का ब्रांड एम्बेसडर किया गया था सिलेक्ट। ये सलमान की आरए कॉलोनी में दूसरी विजिट थी। सलमान ने यहां काफी सारे टॉयलेट्स को करवाया है रीबिल्ड, साथ ही लोगों के लिए वाटर कनेक्शन का भी करवाया है इंतजाम। 30 में 30। करण जौहर ने रखी अपने घर पर स्पेशल वीकेंड पार्टी, जहां पहुंचे करण के करीबी दोस्त रणबीर कपूर, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और अयान मुखर्जी। करण अक्सर अपने बी टाउन बडीज के साथ करते हैं अपने घर पार्टी। 30 में 30। खबर आई थी आतिया शेट्टी और इलियाना के बीच फिल्म मुबारका के सेट्स पर शुरू हो गई है कैट फाइट, लेकिन जब इस बारे में आतिया से पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की कैट फाइट से कर दिया है इनकार। इलियाना इज अमेजिंग, शी इज सच एन अमेजिंग पर्सन। आई थिंक या शी इज जस्ट सो मच फन, शी इज सच अ एनकरेजिंग कोस्टा आल्सो, सो या देयर वाज नो कैट फाइट्स, प्लीज वो जमाना चला गया। 30 में 30। न्यूज थी कि फराह खान अपनी दोस्त सानिया मिर्जा की लाइफ को लेकर बनाने वाली हैं एक फिल्म, लेकिन जब इस बारे में फराह से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी न्यूज से कर दिया इनकार। ये कब मैं न्यूज टू मी, सानिया को पूछते मैं आपको बता दूंगी। 30 में 30। लेट ऑन द शो, रणबीर कपूर नहीं करेंगे अरेंज मैरिज। प्रियंका चोपड़ा को किया गया स्पॉट। प्रियंका को उनके दोस्तों के साथ एक पार्टी के लिए जाते हुए स्पॉट किया गया, लेकिन यहां पीसी काफी जल्दबाजी में नजर आई और उन्होंने नहीं किया मीडिया से कोई इंटरेक्शन। 30 में 30। सलमान खान के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करती नजर आएंगी जैकलीन फिर से एक बार। जैकलीन ने इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया कि वो जल्द दिख सकती है सलमान के साथ। Formal announce. I mean, like, let them announce. 30 में 30। खबर है कि दीपिका पादुकोण से संजय लीला भंसाली हैं काफी अपसेट, जिसकी वजह है दीपिका की ये बोल्ड पिक्चर्स। रिसेंटली दीपिका को उनकी इन पिक्चर्स के लिए ट्रोल किया गया था, जबकि भंसाली ने दीपिका को फिल्म पद्मावती के पूरा होने तक लो प्रोफाइल रखने के लिए कहा है। ऐसे में दीपिका की ये बोल्ड पिक्चर्स का आना SLB को नहीं आया पसंद। 30 में 30। फराह खान ने शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर बनाया पुलाव और की ढेर सारी मस्ती। बिरयानी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मैं मुझे याद है कि हम फिल्म फ्रटर्निटी वाले जो हैं वेट करते हैं कि कब फराह हमें दावत दे और कब हम टूट पड़े उनके यखनी पुलाव पे। और मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आज मैंने शिल्पा के लिए आज मैंने उन्हें रिवील कर दिया है। रिवीलिंग ब्रेकिंग न्यूज। 30 में 30। जानवी कपूर को किया गया मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट। जानवी अपनी सिस्टर खुशी के साथ आई हुई थी, लेकिन जब यहां जानवी को फोटोग्राफर्स ने पिक्चर के लिए रुकने को कहा तो शटरबग्स को इग्नोर करते हुए गाड़ी में वो बैठ गई। 30 में 30।
जग्गा जासूस के डांस सॉन्ग्स को लेकर रणबीर और कटरीना की नोक झोंक तो पिछले कुछ वक्त से चलती आई है और अब कटरीना ने इस कंपटीशन को कर दिया है ऑफिशियल। कटरीना ने रणबीर के साथ डांस रिहर्सल्स की इस वीडियो को किया है शेयर और इसे कैप्शन करते हुए लिखा, द कंपटीशन इज ऑन, टेक योर पिक, नोट द ह्यूमिलिटी ऑफ द पर्सन ऑन द लेफ्ट एंड द ट्रायंफेंट एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन ऑन द राइट। 30 में 30। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रणबीर की मम्मी नीतू कपूर ने ढूंढ लिया है रणबीर के लिए एक परफेक्ट मैच और इसी सिलसिले में नीतू रणबीर के साथ गई थी लंदन। लेकिन रणबीर के कुछ क्लोज सोर्सेज की माने तो ये रिपोर्ट्स हैं अनट्रू। सोर्सेज का कहना है कि रणबीर अरेंज्ड मैरिज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते और सिर्फ तभी शादी करेंगे व्हेन ही फाइंड्स लव अगेन। 30 में 30। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में अनऑथराइज्ड एंट्री हुई एक इंट्रूडर की। सलमान खान का एक क्रेजी फैन रात के 1:30 बजे चुपके से घुस आया था गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में, लेकिन इससे पहले कि मामला हाथ से आगे बढ़ जाता कुछ रेजिडेंट्स ने तुरंत इस बात की खबर दे दी गार्ड्स को एंड द इंट्रूडर वाज हैंडेड ओवर टू द पुलिस। 30 में 30। मिलन लूथरिया की फिल्म बादशाहो का फर्स्ट लुक हुआ रिवील। इस फिल्म के ऑनसेम्बल कास्ट में नजर आने वाले हैं अजय देवगन, इमरान हाशमी, विद्युत जामवाल, संजय मिश्रा और इलियाना डिक्रूज। फिल्म के पोस्टर में स्टोरी के बारे में शेयर किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। द फिल्म इज सेट टू हिट द थिएटर्स ऑन September 1st। 30 में 30। मोहित सूरी फरहान के साथ करने जा रहे हैं एक स्पोर्ट्स ड्रामा और रूमर्स थे कि इस फिल्म में भी मोहित अपनी लकी मैस्कॉट श्रद्धा को करेंगे कास्ट। लेकिन जब रिसेंटली मोहित से इस सिलसिले में सवाल किया गया तो मोहित ने कहा, मी एंड श्रद्धा आर फ्रेंड्स, शी जस्ट केम होम टू मीट माय डॉटर एंड वाइफ, प्लीज आई मायसेल्फ डोंट नो व्हाट फिल्म आई एम डूइंग नेक्स्ट। 30 में 30। करीना एक बार फिर अपने ब्रांड कमिटमेंट्स के चलते जाने वाली हैं लंदन, बट अनलाइक द लास्ट टाइम्स इस बार करीना के साथ इस ट्रिप पर उन्हें अकंपनी करेंगे तैमूर। तैमूर का ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। 30 में 30। फिटनेस फ्रीक करीना को एक बार फिर किया गया अपने जिम सेशन के बाद स्पॉट। इस बार करीना नजर आई एक ब्लैक जैकेट और लेगिंग्स में। 30 में 30। करण ने अपने किड्स रूही और यश के लिए डिजाइन करवाया था एक स्पेशल नर्सरी और इस नर्सरी को डिजाइन किया था खुद गौरी खान ने। लेकिन सुनने में आया है कि करण इस नर्सरी में कर रहे हैं कुछ चेंजेस। करण के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर ने दी करण को ये एडवाइस। 30 में 30। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि सलमान खान ने अपने स्टाफ को दिया है फिट होने का अल्टीमेटम। सोर्सेस की माने तो सलमान खान ने अपने स्टाफ को अनहेल्दी खाना खाने के लिए मना किया है और साथ ही कहा है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करे और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखे। इतना ही नहीं, सलमान ने स्टाफ को फिट रहने के लिए थोड़ा टाइम भी दिया है। 30 में 30। सलमान खान कर रहे हैं सोहेल के साथ अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन, लेकिन इस फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली जूजू कहीं भी नहीं दिख रही है प्रमोशंस में। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सोहेल के चक्कर में जूजू अभी तक नहीं है प्रमोशन का पार्ट, क्योंकि सलमान चाहते हैं कि फिलहाल सोहेल करे उनके साथ फिल्म का प्रमोशन। वेल, सलमान की टीम ने इस न्यूज पर नहीं किया है अब तक कोई कॉमेंट। 30 में 30। Well, we all know कि दीपिका अपनी फैमिली से हैं काफी क्लोज। हाल ही में दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डैड प्रकाश पाडुकोने को दी है बर्थडे विशेस। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर अपने डैड के साथ बचपन की एक पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू। 30 में 30। क्या टाइगर से नाराज हैं कृति सानन? वेल, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, कृति टाइगर के साथ बागी 2 में करना चाहती थी काम, लेकिन टाइगर के बार बार कहने पर इस फिल्म में किया गया दिशा को कास्ट। दिशा के इस फिल्म में कास्ट होने पर हो गया कृति का पत्ता साफ और इसकी वजह बन गए टाइगर श्रॉफ। सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि दिशा नहीं थी इस फिल्म की फर्स्ट चॉइस, लेकिन टाइगर की सिफारिश की वजह से किया गया है उन्हें इस फिल्म में कास्ट। 30 में 30।
शाहिद कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म पद्मावती पर कर रहे हैं काम, लेकिन इस फिल्म के बाद अभी तक नहीं की है शाहिद ने कोई फिल्म साइन। सोर्सेज की माने तो इसकी वजह है उनकी वाइफ मीरा राजपूत। शाहिद अपनी डेट्स को मीरा के साथ काम करने के लिए रखना चाहते हैं फ्री, यही वजह है कि वो फिलहाल नहीं साइन कर रहे हैं कोई भी फिल्म। लुक्स लाइक शाहिद इज मोर कंसर्न्ड अबाउट मीराज डेब्यू। 30 में 30। जानवी और सारा दोनों ही स्टार किड्स जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं बड़े पर्दे पर, लेकिन जहां सारा की पहली फिल्म हो गई है फाइनल, वहीं जानवी अब भी कर रही हैं इसके लिए वेट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज यही वजह है कि अब जानवी अपनी पब्लिक अपीयरेंस पर देंगी और ध्यान। वो नहीं चाहती कि लॉन्च से पहले ही पड़ जाए उनकी इमेज फीकी, इसलिए अब वो पहली फिल्म साइन करने तक ज्यादा से ज्यादा मीडिया में दिखने का करेंगी प्रयास। 30 में 30। जैकलीन रिसेंटली एक कॉस्मेटिक ब्रांड के कैंपेन को लॉन्च करती हुई आई नजर। ये कैंपेन एनिमल्स पर टेस्ट किए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट करेगा काम। जैकलीन ने यहाँ ये भी बताया कि ये कैंपेन है काफी इम्पोर्टेंट और लोगों के बीच होनी चाहिए इसकी पूरी अवेयरनेस। टुडे वी आर हियर टू प्लेज अवर सपोर्ट टू स्टॉप एनिमल टेस्टिंग एंड बी फॉरएवर अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग। सो या एंड आई थिंक दैट इट वेंट रियली वेल। We had a great time, we had a great response, and we'll see now hopefully how many pledges we can get so we can actually make a difference. 30 में 30। प्रियंका लौटी अपने मेरी कॉम अवतार में। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रियंका नजर आई मेरी कॉम अवतार में। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक्चर की है शेयर, जिसमें एक वॉल आर्ट में वो मेरी कॉम अवतार में आ रही हैं नजर। प्रियंका ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, चेंज बिगिंस एट होम एंड आई एम प्राउड टू बी फीचर्ड एज पार्ट ऑफ दिस वॉल आर्ट इन मुंबई बाय वायाकॉम 18। आई थिंक आर्ट इन पब्लिक प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ वॉल पेंटिंग्स, ग्राफिटी और म्यूरल्स ब्रिंग्स जॉय एंड ड्राइव्स ऑल ऑफ अस टू कीप द एरिया क्लीन एंड कंट्रीब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स। मे इट सर्व एज a gentle reminder to work towards a hashtag chakachak mumbai hashtag swachh bharat abhiyan. 30 में 30। सोनम कपूर ने हाल ही में खास लोगों के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, लेकिन सोनम को होना पड़ा बिग बी की नाराजगी का शिकार। सोनम को कई सेलिब्रिटीज और फैंस ने दी थी बर्थडे विशेस। सोनम ने भी सोशल मीडिया पर और पर्सनली भी दिया सबको रिप्लाई, लेकिन सोनम की नजरों से गलती से छूट गया बिग बी का ये मैसेज। बिग बी ने ट्वीट करते हुए सोनम से की इस बात की शिकायत। इस पर सोनम ने भी माफी मांगते हुए किया बिग बी के ट्वीट का रिप्लाई। 30 में 30। सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के ट्रेलर की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किया ट्वीट। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में ये एक शानदार कदम है। ही रोट, गुड एफर्ट टू फर्दर द मैसेज ऑफ क्लेनलीनेस। 125 करोड़ इंडियंस हैव टू कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट अ स्वच्छ भारत। पीएम मोदी के इस ट्वीट का अक्षय ने जवाब देते हुए उन्हें शुक्रिया अदा किया। 30 में 30। दंगल ने भले ही चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया हो, लेकिन इससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स को नहीं हुआ है कोई खास फायदा। दंगल ने चाइना में अस्टाउंटिंग 1,100 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन ड्यू टू चाइनीज फॉरेन फिल्म्स पॉलिसी इस अमाउंट का सिर्फ 25% अमाउंट जाएगा फिल्म के प्रोड्यूसर्स को।